जय हिंद। तो आप लोगों के लिए आज मैं एक कैंडिडेट है आर्मरर में, जिन्होंने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है, किसका? आर्मरर का। तो जब ट्रेड टेस्ट रनिंग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लें, इनका रिटर्न एग्जामिनेशन है 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को जो एग्जामिनेशन है, तो आप लोग बोल रहे थे कि ट्रेड टेस्ट का क्वेश्चन वहाँ पे रनिंग और पहुँचे वहाँ पे कैसे, अकोमोडेशन के बारे में, रिपोर्टिंग टाइम, इन सब चीज़ के बारे में आज इनसे बात होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? शेख साजिद, मैं वेस्ट अच्छा बंगाल से हूँ। अच्छा हाँ, और यह वेस्ट बंगाल से हैं। तो आप ये पहले यह बताइए कि आर्मरर में ही क्यों फॉर्म भरा? एक ही वैकेंसी सिर्फ है आर्मरर के लिए। आर्मर में मतलब कि इसमें ईएमई के में है ना, इसमें मैकेनिकल का एक काम होता है और इसमें ज्यादा वैकेंसी है। मेरे को लग रहा था कि एक वैकेंसी होगा, कोई अप्लाई नहीं करा होगा, इसलिए मेरे भी डाल दिया। फिर उसके बाद देखा तो वहां पर बढ़ भीड़ तो बहुत ही ज्यादा हो गया, जैसे कि लाख बारों को भी इतना भीड़ नहीं हुआ होगा, अच्छा दो वैकेंसी में इतना ज्यादा भीड़ हो गया वेस्ट बंगाल से ही। ठीक है। और वहां पे अपने घर, आपके घर से लोखरा सेंटर तक की दूरी कितनी थी? 24 आवर्स, 24 यानी कि 1000 किलोमीटर के लगभग था। और वहां बारह पे, बारह सौ किलोमीटर। अकोमोडेशन के लिए रहने के लिए क्या था? आप पहले वहां पे पहुंचे कैसे, यह बताइए। मैं तो वहाँ पर यहाँ से हावड़ा सिटी ट्रेन पकड़ के वहाँ रंगापड़ा डायरेक्ट चला गया था। रंगापड़ा से फिर ऑटो से पकड़ के 50 रुपया देकर वहाँ पर सेंटर तक पहुँचा। उसके रंगापारा से बाद कितना दूर होगा लगभग? 17-20 किलोमीटर रंगापड़ा अच्छा 17। से, और वहां पे रहने के लिए 17। जगह है कि नहीं सेंटर के हाँ बाहर? रहने के तो रहने की तो जगह है, बाहर पब्लिक दे रहा था अपना घर पे, वो हाँ बेड में भी दे रहा था, कोई ऐसा भी घर था जो नीचे भी सोने नहीं दे रहा था। बट बाहर के रहने के लिए उतना अच्छा जगह नहीं है। हम लोग बाहर सो रहे थे, वहाँ के पब्लिक आकर वहां से हटा दिया, फिर से आकर दूसरे जगह पर सो रहा था। उसके बाद रनिंग के लिए रात को तो बारिश हो रहा था, फिर रनिंग का टाइम हो गया, मतलब कि 4 बजे से वहां पर रनिंग लाइन पे खड़ा हुआ था सारे बंदे। मेरे को तो नींद आ गया था, मैं रात को सुबह को 7 बजे करीब उठा, उठकर देखा कि सब बंदे सब चले गए। उसके बाद मेरे को तो लग रहा था मैं रनिंग क्लियर करूंगा, इसलिए मैं देर में ही उठा, रिलैक्स होकर के गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट ग्रुप में मेरा रनिंग हुआ था, उसमें 400 करीब बंदे को दौड़ा गया था, उसमें से लिया गया 300 करीब बंदे को लिया गया। और उसके बाद चेस्ट में हाइट में ज्यादा बंदे को छाट रहे थे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट में तो मतलब कि 90% बंदे तो निकल ही गए। हाइट रनिंग के बाद मेजर हो रहा था ना? हाइट रनिंग के बाद ही मेजर हुआ था। अच्छा। और ये जो हाँ अकोमोडेशन, किसके पहले पूछा था कि अकोमोडेशन में कितना चार्ज ले रहे हैं पर पर्सन? कोई ले रहा है 150 रुपये, कोई 200 रुपये ले रहा। अच्छा 150 से ऊपर ही है। हाँ और वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम, आप तो, आपको तो पता ही नहीं है कितने बजे से कैंडिडेट रिपोर्ट की, क्योंकि आप सो गए थे। नहीं, दो हाँ 4 बजे से बोल रहा था कि वहाँ 4 बजे से लाइन लग ही जाता है। बजे से आ रहे हैं, उस दिन कुछ हाँ कैंडिडेट बोल रहे थे मैं 2 ही बजे से चला गया था, और बारिश हो रहा था। जितने लोग, जब बारिश हो रहा था, तो जो जो कैंडिडेट बाहर थे, नहीं कुछ लिए थे, उसी तरह से कुछ इंतजाम अपना करके बारिश में उसी तरीके से खड़े हुए थे। तो आप थोड़ा जाइए तो वहाँ पे ध्यान दीजिए कि वेदर का, आपका क्या वेदर कंडीशन है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजाम करके चलिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपने आप को अडाप्ट कर सकें। वैसे मैं पिछले वीडियो में इसका अपडेट दिया हूँ। और आपके नहीं, बैच साथ में से? सब कुछ था मेरे हाँ पास, साथ में सब कुछ मेरे पास था, अच्छा इसलिए तो बाहर नहीं रुका था। कोई बंदे ज्यादा बंदे नहीं था, मतलब कि 10-12 बंदे हमें हमारे साथ में रुका था रात अच्छा के वक्त बाहर ही। आज नहीं तो हर सारे बंदे रूम किराए में नहीं आता, तुम कहाँ पर थे, रुके थे, कैसे कोई सेंटर का बाहर ही एटीएम के पास ही। सोए थे क्या? वो नीचे एक पन्ने लेके गया था, पन्ने से सो गया। अच्छा तो ठीक है। हाँ वो बस। हाँ रनिंग का बोलो। कितने का बैच बना था? रनिंग 400 का बैच बना था। 400 का। उसमें से कितने क्वालिफाई हुए होंगे? हाँ तो 280 या 300, कितना? 280 समथिंग। हाँ अच्छा 280, मतलब अच्छे अच्छे खासे कैंडिडेट। बंदे बोल रहे थे। हाँ कंप्लीट करना चाहिए बंदे को, कंप्लीट करना चाहिए बस। हाँ वो वही। जो रुक रहा है, जो रुक रहा है वो रुक ही रह जा रहा है बस। और ट्रैक के बारे और में, कुछ? हाँ
ट्रैक के बारे में, 2 किलोमीटर जो जाना है, 3 किलोमीटर आना है, अप डाउन जो भी खराब है उसमें गड्ढा उड्ढा, उसके बारे में। गड्ढा तो उतना नहीं है, लेकिन ये तो ऊंच नीच मिला था बस, और ज्यादा ऊंच भी नहीं है, नॉर्मल सा है। अच्छा, अच्छे मतलब कि जिसका रनिंग घर पे नहीं निकला है, तो वहां पर कॉन्फिडेंस का हाथ निकाल देगा, ज्यादा बंदे है ना, कॉन्फिडेंस हाँ, का हाथ निकाल देगा। मैं कितना टाइम है आप कह रहा था? तो यहाँ पर घर पे 2 दिन प्रैक्टिस करा था, 28 को और 29 को, हाँ, कितना बस एक टाइमिंग आ साल रहा के था? बाद 2 दिन प्रैक्टिस किया था, उसके बाद ही वहां पर चला गया रनिंग के लिए। कितना टाइमिंग वैसे आ रहा था घर पे, कुछ देखा था उस दिन जो 2 दिन हाँ, हुए? 26 समथिंग, अच्छा, मतलब कि अब मैं रनिंग छोड़ दिया था 1 साल, वो आर्मी का एग्जाम बहुत ये पोस्टपोन हो गया ना, इसलिए हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, शायद एग्जाम रुक गया था मेरा, इसलिए रनिंग ही करा बंद कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी 2 दिन 1 दिन रनिंग करके जाइए और रनिंग निकाल लीजिए, खास करके नहीं जितने नहीं भी हाँ, कैंडिडेट जिसका प्रैक्टिस, हाँ जिसका प्रैक्टिस नहीं हो तो ऐसा रहेगा ना। हाफ लॉन्ग वाले हों और दीपू वाले हों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। हाँ, और किसी भी सेंटर का हो, चाहे आपका हाफ लॉन्ग हो, सुखोई हो, दीमापुर सुखोई भी हो, ज्यादा तकलीफ होता है, मैं पिछली बार रनिंग किया था वहां पर भी बहुत ज्यादा ऊंच नीच। हाँ, दीमापुर, कोई भी सेंटर हो, आपको एक ही चीज़ ध्यान में देना है, अगर आप जब रनिंग स्टार्ट कर दिए हो तो जब तक फिनिश पॉइंट नहीं आ जाता तब तक हाँ बीच में रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो आपको जब दौड़ रहे थे तो आपको दर्द वर्द हो रहा था कि नहीं, क्योंकि आपने 2 ही दिन सिर्फ रनिंग किया था? दर्द तो होगा, क्योंकि उतना दिन से रनिंग छोड़ दिया तो रुकना, मेरे एक्सपीरियंस था, मतलब कि बहुत सारा भर्ती देख लिया, आर्मी का 18 भर्ती देख लिया मैंने प्रिपरेशन में, ठीक है, इसका वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया, हाँ, और तो आप इसलिए देर में भी उठा था, 7 बजे करीब उठ के, इसलिए रनिंग, मेरे को पता है मेरे रनिंग क्लियर करूंगा, बस इतना ही पता है। हाँ तो अब आप यहाँ से देख लीजिए कि यह काफी सारी भर्तियों का दौड़ निकाल चुके हैं, देख चुके हैं, तो इसलिए 2 दिन का इनके ऊपर फंडा चल रहा है, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं आज उठा का परसों भर्ती है, हाँ आज दौड़ा होता तो निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, जो कभी भी रनिंग नहीं किया उसको कैसा होगा उसका क्लियर, हाँ, रनिंग करना चाहिए उन लोगों को ना। और टोकन का कुछ बताओ, टोकन जो लेना हाँ, वो था। 2 किलोमीटर जो आप में जाओगे रिटर्न रिटर्न के आते वक्त तभी मिल रहा है टोकन, तो एक गोल। उसमें बीच में क्या होता था कि कुछ कैंडिडेट टोकन को एक्सचेंज कर देते थे, तो उन लोगों का क्या हुआ, कुछ पता चला, नहीं, पता एक्सचेंज है? तो कुछ नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, वहां पर आसाम राइफल के फौजी भाई लोग वहां पर खड़े हुए थे, मतलब कि 100 मीटर के अंदर खड़े हुए थे, कोई अच्छा कहाँ पर गुम हो रहा है कि किस कुछ कर रहा है, उन लोगों को देख रहा था, वो पूरे अच्छा 5 किलोमीटर में ही पूरा था, एंडिंग में तो लेडीज लोग भी खड़ी हो गई थी। अच्छा हाँ, तो फिर उसके बाद जब रनिंग फिनिश हो गया, रनिंग के होने के बाद क्या हुआ ट्रेड टेस्ट के उसके बाद प्रोसेस के तो लिए? बिठाया गया, बैठने के बाद ये फिंगर प्रिंट लिया गया, फिंगर प्रिंट के बाद फिर से बैठाया गया, बैठने के बाद हाइट वेट चेस्ट लिया, चेस्ट लेने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट चेक करवाया, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद टेस्ट करवाया। डॉक्यूमेंटेशन में लगभग 45 मिनट तो पर कैंडिडेट पे लगी जा रहा होगा, हाँ, और लगभग जब उससे ज्यादा लग रहा है। ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है तो लगभग 2-3 घंटे भी लग जा रहे होंगे। हाँ, मेरा 12 बजे या करीब डॉक्यूमेंटेशन में गया था, उसके बाद निकला था 5 बजे या करीब, 5-6 बजे गया था। अच्छा, रनिंग कितने बजे से रनिंग स्टार्ट हुई थी, रनिंग पीछे? तो मेरा सेकंड ग्रुप हुआ था 7-8 बजे या करीब, 8 बजे की धूप पूरी थी दबा करके एकदम? नहीं बारिश हुआ था, हाँ, अच्छा, बारिश हुआ था राज खतरे, बारिश हो रहा था एकदम। तो रनिंग वही जब 8 बजे हुआ था तो 8:30 बजे खत्म हो गया होगा। उसके बाद फिर भी कुछ बंदे आ रहे थे भर्ती हाँ देखने के लिए, ठीक है, जो लेट में पहुंचे, हाँ उसके में हम लोग बैठने के बाद देख रहा हूँ 10-12 बंदे ऐसा रनिंग पास करके दूसरे साइड में बैठा गया था उस लोगों को। अच्छा, जो मतलब जो 8 बजे से पहले चले गए होंगे उनको ले लिए होंगे। हाँ, उस दिन मेरे दिन पर एक बंदा था नॉर्थ ईस्ट का जो ड्रग्स लिया था उसने, उसको तो मेडिकल में लेके गया उसको, उसके बाद क्या हुआ उसको पता नहीं, वो मतलब कि रनिंग के बाद बेहोश हो गया अपने था? को अपने आप को मार रहा था, अपने ड्रग्स अच्छा, ड्रग्स लिया था, इंजेक्शन भी लिया था। चलो जो भी है, इसीलिए कि रनिंग करिए, कुछ भी ऐसा नारकोटिक्स ड्रग्स ना लीजिए वही तो ना, ताकि दिक्कत हो जाए आपको वहाँ पे।
तब वही आगे बताओ ट्रेड टेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन के बाद। डॉक्यूमेंटेशन के बाद तो टेस्ट टेस्ट लिया गया, कोई ट्रेड टेस्ट में एक कैसे लिया जा रहा, ट्वेंटी कितने ट्वेंट कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था, क्या बोल रहे हो? कितने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था डॉक्यूमेंटेशन के बाद ट्रेड नहीं, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। के बाद जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एक ग्रुप में हो गया 15 बंदे 25 बंदे ऐसा हो रहा है, तो उसको बना रहा टेस्ट का पेपर दे रहा है वहीं पर, जो वहीं पर एग्जाम दीजिए। फिर कुछ बंदे का फिर डॉक्यूमेंटेशन उस तरह चल रहा है, इधर उन लोगों को ग्रुप वाइज 15 हो गया 10 हो गया ऐसे बंदे को ले रहा है। अच्छा, कितने लोग बैठे हुए हैं वहां पर? वहां पर तो एक होल रूम था, होल रूम के अंदर तो सारे काम चल रहा था। अच्छा नहीं, कितने लोग ट्रेड टेस्ट ले रहे थे? टेस्ट टेस्ट तो फौजी लोग बहुत सारे थे, मतलब कि कोई पीछे आगे नहीं मुड़ के देख सकता। नहीं, ट्रेड ट्रेड टेस्ट, अच्छा रिटर्न हो रहा था ना ट्रेड टेस्ट के लिए। हाँ, आपको बता दूं, अभी मेरे भी ध्यान से निकल गया था, रिटर्न आपका जो है कि हाँ, ट्रेड टेस्ट आपका रिटर्न में हो रहा है, तो 20 क्वेश्चंस आए हुए थे। वो अच्छा, क्वेश्चन आए थे। वो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, जो जो क्वेश्चंस थे इंसास के, कैल्शियम का, वाटर का, और उसमें की के बारे में, यानी रिंच के बारे में पूछा गया था, एल एन की के बारे में, हाँ, उसको शेप कैसा होता है, मतलब कि एल वो टाइप, लम हाँ तो उसमें फिगर बना एल हुआ नहीं, था। एल नहीं, उसका हाँ गोल राउंड जैसा होता है ना, हाँ जो स्क्रू में लगता है, जो उसका हाँ शेप पता रहता है, उसका पेस शेप कैसा था, ऐसा ही पूछ रहा था। तो अच्छा, और हैमर के बारे हाँ, में क्या था? हैमर, बॉल पिन, हैमर किससे जड़ी थे, बॉल पिन ऐसा बॉल पिन लिखा हुआ था, ये किससे जड़ी थे, हैमर से जड़ी थे ना, अच्छा ऐसा क्वेश्चन था। और छिजल के बारे में भी था कि क्या, इस काम के लगता है छिजल, सीजर के बारे में? छेनी, हाँ छेनी छेनी, अच्छा, छेनी के बारे में, अच्छा। हाँ वो 3 क्वेश्चन आया था इससे, टूल्स के बारे में। अच्छा, टूल्स के बारे में, टूल्स का, इक्विपमेंट का, जो भी ऐसा नाम पूछा था, और हथियार के बारे में पूछा था, वही बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन। हाँ, इंसास राइफल का वेट कितना है, और इंसास राइफल का मैगजीन मैगजीन का, किससे बनता है, वो ऑप्शन था प्लास्टिक, एक कौन सा प्लास्टिक था, टीन था और एल्यूमिनियम था, स्टील था, ऑप्शन दिया हुआ था, अच्छा, एक ही पोजीशन में फुल इसमें फॉर्म फाइबर था। प्लास्टिक का ऑप्शन था कि नहीं? हाँ, था प्लास्टिक। फाइबर प्लास्टिक, तो वही फाइबर प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अच्छा, मेरा वीडियो देखे थे कि नहीं इंसास वाला? हाँ, मैं आपको पहले से ही कमेंट कर रहा था, जो मैं कंफर्म एटीएट टेस्ट पास करूंगा, आपको कमेंट भी आया था वीडियो पर। हाँ, अच्छा, तो क्या बोला जाता है, जब तुम इंसास का देखे होगे तो उसमें मैं बताया हूँ स्पेशली कि ये इसका जो मैगजीन है प्लास्टिक का होता है, लेकिन हार्ड के होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें क्लियरली मैं बताया था कहीं पे। अब मुझे इतना याद है नहीं है, लेकिन जब अब 2 साल पहले का, 2020 का, मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ। नहीं, मैं आपका सारे वीडियो देख रहा था, प्लस मैंने AK-47 इंसास राइफल SLR LMG के बारे में सब कुछ पता, तो वहां से एक महीने पूरा के अंदर फुल सब फॉर्म कुछ। पता चल गया होगा, उससे कहीं ज्यादा डिटेल में रहा होगा उसमें, वीडियो में। हाँ, तब तो कॉन्फिडेंस रहा होगा कि हथियार के बारे में पूरा आ रहा है, LMG SLR पूरा क्लियर सब है। कुछ, मतलब कि मैं घर पे सारे नोट कर लिया था, वो क्रोम से आकर, यूट्यूब से आकर खोज खोज कर सारे कंप्लीट किया था सारे। अच्छा, उसी का नतीजा है कि एक कॉल लेटर मिला रिटर्न एग्जाम के लिए, नहीं तो वहीं से और बाहर मैंने निकल जाता अगली बार भर्ती देखने के लिए। सत्रह क्वेश्चन मैंने ठीक किया था उसमें। अच्छा, तो रिजल्ट कैसे पता चला? अब पेपर हो गया, वहां पे 10 मिनट का टाइम मिला था, 10 मिनट के टाइम हाँ, में 10 मिनट सबमिट हो गया, दे दिए, फिर उसके बाद? उस नहीं, 10 मिनट का टाइम के बाद, मतलब कि 15 मिनट, आधा आधा घंटे का करीब टाइम लिया था उसको रिजल्ट को देने के लिए। पहले तो रिएक्शन स्लिप वाले को दे रहा था, ठीक है, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई किया है उन लोगों को दे रहा था। तो रिजल्ट पता चला कि वो बस ला करके दे दे रहे थे कि आपका यह रिटर्न के लिए कॉल लेटर हाँ, है? कॉल लेटर, बस कॉल लेटर दे रहा। अच्छा, कॉल लेटर। उसमें से कितने लोग, मतलब कि तब भी अनुमान में कितने लोग क्वालिफाई किए होंगे ट्रेड टेस्ट के लिए? हाँ, हमारा उस दिन वेस्ट बंगाल में 60 या करीब करो क्वालिफाई किया, मेरे ग्रुप में 25 क्वालिफाई किया, उसके पहले ग्रुप में भी उतना ही बंदा क्वालिफाई करेगा ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा, एक्सपीरियंस के बारे में।
मेरे ग्रुप में 25 करीब क्वालिफाई किया, उसके पहले भी उतना ही बंदा पास किया था, वैसे ही कितने में से आउट ऑफ 68 कितने करीब। लोग जा रहे थे? अच्छा, हाँ ज्यादा मतलब कि ज्यादा हाइट और चेस्ट में कट गए था। हाइट उतना ही मेजर कर रहे थे कि ज्यादा था कम नहीं था? उतना ही उतना ही उतना ही मेजर कर रहा है, और फिर चांस भी बहुत दे रहा है, जो रिजेक्ट पीएचडी में रिजेक्ट हो रहा है उन लोगों को भी फिर से जाकर चेक कर रहा है जिसको चेस्ट, डाउट हो रहा है। और चेस्ट के लिए तो हो सकता है कि वो मेजर अगर उतने से एक्सपेंड 80 से 85 नहीं हो रहा होगा तो वो 2 3 बार ट्राई करवा रहे होंगे, क्योंकि हर सेंटर दो तीन के। बार नहीं, दो तीन बार नहीं, हम लोग क्वालिफाई करके मेरे हम लोगों को बैठा कर रखा, हम लोग टेस्ट नहीं जा रहा पाऊ, लेकिन वो जो पीटीआई मास्टर है उन लोगों को जाकर रिजल्ट वाले को फिर से चेक कर रहा है, ऐसा मतलब कि बहुत चांस दे रहा। अच्छा, हाँ वो सीओ कामांडिंग ऑफिसर जो था वो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो यही पूरा था कि मतलब 25 लगभग कितने कैंडिडेट मान सकते हैं कि उस दिन ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हुए होंगे? 60 के करीब। 60 के करीब। कितने की लगभग, कितने की रिपोर्टिंग रही होगी? रिपोर्टिंग 150 ऐसा ही, नहीं, कितने कैंडिडेट मतलब रनिंग के लिए आए थे? रनिंग के लिए 1.5 हज़ार के करीब आए थे। अब 1.5 हज़ार में से आपके कितने लोग, 60 लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं? तो अब एक वैकेंसी है आपकी, अब एक वैकेंसी के लिए, अब तो ये जो 60 लोग हैं, 70 लोग हैं जो भी हैं, या तो एक दिन का है, 2 दिन शायद रैली चला था वेस्ट बंगाल का, अब 2 दिन। नहीं, 7 दिन तो हमारा 7 तारीख को जो रनिंग हुआ था, बट जो बंदे बुल्ला नहीं गए थे उसको 8 तारीख को फिर से वेस्ट बंगाल रनिंग हुआ था, और 9 30 वालों का जो बंदे बचे हुए थे, 9 30 वाला और वेस्ट बंगाल वाला, उसका अच्छा, 8 तारीख को फिर से हुआ। उसमें कितना बंदा है उसको मेरे को पता नहीं। तो अब आप इसी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना है, और अब एक सीट सौ है, के करीब। एक सीट के लिए हाँ अब वेस्ट बंगाल में तो 2 सीट है, एक ओबीसी में है, एक जनरल में है। हाँ अच्छा, वेस्ट बंगाल से 2 है। एक जनरल में है, एक ओबीसी में है। हाँ, तो अब ओबीसी वाले, ओबीसी जनरल, ओबीसी वाले जनरल में भी आ सकते हैं, तो वही आपका 1 2 सीट जो भी है, अब उसके लिए इतने सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। अब रिटर्न में मार्क्स अच्छा से अच्छा लाना है, अराउंड 90+ के ही अराउंड आपका कट ऑफ जाने वाला है इसका। हाँ तो रिटर्न एग्जाम के लिए कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो? ये सब ज्यादा ही बचा नहीं, इसलिए घर पे ही पढ़ाई करता हूँ। वही वो अपने खुद से क्या क्या पढ़ाई हुआ है? तरीके जनरल रीजनिंग कर रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश से कर रहा हूँ, और मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ, बस 40 से तो क्वेश्चन आएगा 25 करेक्ट। और लास्ट में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं व्यूवर्स को, कुछ कैसे क्या करें जो आने वाले और भी यूपी से हैं, बाकी और अदर स्टेट से हैं, उनके लिए? यही तो बताना चाहता हूँ पहले कि वहां पर ज्यादा रात को जो रुकने वाले हैं वो होटल ले ले, एसी आई अच्छा होता है, क्योंकि वो बाहर जो पब्लिक है वहां पर दारू पी के आकर बहुत हंगामा करते हैं पहले, एक नंबर। क्योंकि मेरे को मेरे साथ में उतना तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं भर्ती बहुत सारा देख लिया, इसलिए मेरे का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। ठीक है, जो नहीं कभी भर्ती देखा उसको उसको तो डर लग जाएगा पहले ही। ठीक है, और जो बोल रहा है कि 4 बजे से लाइन लग जाए, 4 बजे से नहीं, आपका रनिंग निकलता है तो आप 7 ही बजे लग लीजिए, रिलैक्स होकर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रनिंग निकलना है तो कहीं से भी निकल जाएगा, और चेस्ट में हाइट में ज्यादा छट रहे हैं, चेस्ट तो बंदे को ठीक से ही फुलाना चाहिए, हाइट जिसका है तो हाइट हाइट ही रहेगा बस। और कोई कोई बंदा बोल रहा था कि ट्रैक ज्यादा है, ट्रैक ज्यादा है, कोई बोल रहा है कि 1 किलोमीटर ज्यादा है, 500 मीटर ज्यादा है, कोई बोल रहा है 400 मीटर ज्यादा है। मैंने रनिंग किया, मेरे को तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ। ठीक है, होगा कितना होगा, 200 मीटर ज्यादा होगा, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा जैसे कि क्या होता है कि शुरू में थोड़ा सा जो बैठाते हैं थोड़ा सा पीछे तक जाता है, तो उस वहाँ पे 100 200 मीटर हो गया, फाइनल में जो होता है वहाँ पे 200 300 मीटर हो गया, मतलब 500 मीटर से तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 500 अगर मीटर उतना भी जा नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा। मैं प्रैक्टिस करके 2 दिन ही करके गया। ठीक है, हाँ मेरे को वही, पता है कितना होगा, लेकिन जो फेल हो रहा है कि जो पास कर रहा है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि मैं थोड़ा नाम करने के लिए ज्यादा बोलूंगा, ऐसा बोल रहा है। और जो फेल कर रहा है तो ऐसे ही बोलेगा, जो अब ज्यादा ही था, नहीं तो उसका तो
ऐसे ही घर में ही जाएगा और फिर फ्रेंड के लोग के पास भी जाएगा मान, जो क्योंकि इसका पाँच अपना सौ ये मीटर या 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ज्यादा होने का मतलब है कि कोई, आपको हाँ 24 मिनट में पूरा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसका बड़ी बात अठारह हो जाती है। उन्नीस हाँ आएगा वही ले जा सकता है वहां पता। हाँ वैसा कोई दिक्कत नहीं ट्रैक के बारे में, वो सब जो फील होता है वो लिख भी बोलते हैं वैसा। और ओवर कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस वाला मतलब कि जो अपने को ज्यादा चालाक भाव सोचता है वो बोलेगा, जो ज्यादा था मैंने क्वालिफाई कर लिया इसमें, ऐसा ही हाँ बोलता है वो लोग। और अच्छा जो रनिंग वाला बंदा है वो तो बोलेगा नहीं ज्यादा नहीं है, इतना ही है, अच्छे ट्रैक है, सबसे अच्छा ट्रैक है वो। चलिए तब ठीक है। आज के सेशन को आपका यहीं पे जो आर्मलर का था, आर्मलर का आज आपको वीडियो आज है आपका 11 सितंबर, 11 सितंबर को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा रात के इस टाइम में 9-10-11 बजे तक। तो यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ 10-11 बजे तक। तो यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद। जय हिंद।